हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी के दिन हम लोग महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये एक स्क्वायर है ABCD और इसमें इस एंगल का वैल्यू है 75 डिग्री और यहाँ है एक्स और इस एक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है कि स्क्वायर में सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये एंगल जो हुआ 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल यानी ये डायगोनल हुआ और इसमें एक और डायगोनल खींचा जा सकता है, तो हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। सिंपली मैं इस क्वेश्चन को आपको अभी बताने वाला हूँ, सिंपली क्या करना है कि ये क्या है, डायगोनल है। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का डायगोनल स्क्वायर के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल रहा होगा, एंगल ए, तो इसको बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री होगा। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, ये चाहिए था, ठीक है। और अब देखिए आप कि ये है 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री दिया गया है, तो 75 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, हम लोगों को पता है कि ये दोनों एंगल जोड़ के होगा 180 डिग्री का, क्योंकि लीनियर पेयर है, 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर का सम, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री हुआ, तो ये है 75 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। अब इस एक्स का वैल्यू हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो फिगर बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जोड़ होता है 360 डिग्री, तो इन चारों एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री, तो x प्लस 90 प्लस 105 प्लस 45 इक्वल्स 360, ठीक है। x प्लस इन सभी को जोड़िए कितना होगा, 150 और 90, 240 इक्वल 360, x इक्वल्स 360 माइनस 240 इक्वल्स 120, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने एक्स का वैल्यू बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया, बिना किसी कंस्ट्रक्शन के और बिना किसी लंबे प्रोसेस के, बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।